ये 50 टन का क्रेन है सनी कंपनी का, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और ये इसका हुक है जिसका 50 टन कैपेसिटी है। देखिए 552 केजी इस हुक का वेट है, यानी कि 552 केजी। और ये छोटा हुक है, यानी कि जिसका वेट देखिए 3.5 है, यानी 3.5 टन तक का कैपेसिटी है इस हुक का उठाने का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। मेरा नाम मारपीत सिंह। ये कह रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन जो अपना सनी क्रेन का है 50 टन का, वो फुल फंक्शन बताएंगे कि इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसका पीटीओ से लेके और आउटरिगर किस तरह से निकलता है, पूरा टोटल बताएंगे पाजी। तो आप लोग देखिए, ये फ्रंट केबन का यानी कि 50 टन सनी क्रेन का आगे का लुक है, जो कि इसमें देख सकते हैं आप बिल्कुल सामने। आपको एक दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल इसमें जो बैक कैमरा है वो भी है, सामने एक LCD दिया हुआ है जिससे पीछे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप गाड़ी को बैक कर सकें। ये अगला फ्रंट केबन का पूरा व्यू है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं आप सारा गियर वगैरह, स्टेयरिंग वगैरह, ये उसका जो भी है ऑयल वगैरह का, स्पीड वगैरह का सारा दिया हुआ है जो कि सनी क्रेन का अंदर का है। और ये स्विच वगैरह जितना भी पीटीओ स्विच वगैरह है, और ये देखिए डिस्प्ले जो नज़र आ रहा है, पीछे कोई गाड़ी खड़ा है वो भी नज़र आ रहा है। तो ये सारा इसी क्रेन का फ्रंट केबन का सारा व्यू है जो कि आप देखें। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे आउट रिगर निकाल सकें और आप लोगों को आसानी से दिखा सकें। तो आप सब मेरे वीडियो पे बने रहें लास्ट तक, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता सकूं और समझा सकूं, और आप लोग अच्छे तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें और इस क्रेन को चलाना सीख सकें। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे। और हाँ, इसका जितना भी फंक्शन है और जो भी बाकी रहेगा, आप मेरे चैनल में ज़रूर बने रहें, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं। और इसका लोड चार्ट का भी बहुत जल्द वीडियो आप लोगों के पास मैं पेश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से लोड चार्ट को भी समझ सकें कि लोड चार्ट क्या है और किस तरह से उसको देखा जाता है। बिल्कुल आप लोगों को मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाजी, सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। और बताए कैसा चल रहा है सारा चीज? अच्छा, आप कौन सी जगह पे? यहाँ दोहा कतर में, सिमसिमा में है। आज आपका क्रेन का पूरा फंक्शन आप बताएंगे हमें, ताकि आगे और लोगों को सीखने का मौका मिले। अच्छा, तो ये ड्राइविंग सीट है। ओके पाजी, तो देखिए ये है सनी क्रेन। सनी क्रेन जो कि 50 टन का है, और सनी क्रेन 50 टन का है, और आप देख सकते हैं सारा फंक्शन ये आगे का है, जो कि जहाँ से हम ड्राइव करते हैं। आपको तो पता है कि ट्रक माउंटेन में जो भी क्रेन होता है उसको चलाने के लिए कहीं और से, और ऑपरेटरिंग के लिए कहीं और से होता है। तो ये देख पा रहे हैं, ये सनी क्रेन है पूरा, और ये आगे का केबन है। और आगे का केबन में देखिए ये स्विच है, और ये देखिए ये स्टार्ट हो गया मीटर हमारा। और इस मीटर का देखिए चाबी, देखिए बिल्कुल यहाँ पे है सामने। अगर इसको ऑन करेंगे तो ये मीटर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप सेल्फ मारेंगे तो ये चालू हो जाएगा। और ये आप गियर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम XCMG के जैसा है, लेकिन इसमें एक फंक्शन अलग है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल एक फंक्शन अलग है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। ये जो रिवर्स वाला है, इसमें लिखा हुआ है 1 और 2, यानी R1 R2, और XCMG में ओनली सिर्फ R लिखा हुआ था। तो इसका फंक्शन बस फर्क यही है, बाकी सेम है, और फर्क सिर्फ इतना है कि रिवर्स में आप अगर स्लो ले जाना चाहते हैं तो R1 पे ले जाइए, और अगर हाई पे ले जाना चाहते हैं यानी कि स्पीड पे ले जाना चाहते हैं तो R2 लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि R1 पे ले जाने के लिए ये जो स्विच है ये हमें डाउन में रखना पड़ेगा, लो में रखना पड़ेगा। और अगर आपको फास्ट ले जाना है R2 पे करके, तो इस स्विच को हमको हाई करना पड़ेगा। हाई करेंगे तभी ये फास्ट जाएगा।
यही है ना पाजी इसका फंक्शन? बिल्कुल सेम फंक्शन यही है, बाकी तो इसका फंक्शन सेम वही है। ये जो आपका है इसमें एल दिया हुआ है और एक्सीएमजी में सी दिया हुआ था, तो एल का मतलब वही है, यानी कि आपको बता दे जो कि चढ़ाई वगैरह में जहाँ पे ज्यादा टान गाड़ी का होता है और खींच नहीं पाता है और सब गियर, तो ये गियर काम करता है। इसके लिए ये दिया हुआ है एल, और सनी में एल दिया लिखा हुआ है और एक्सीएमजी का क्रेन में सी लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बताया। और बाकी गियर तो आपको पता है, मैंने अगर नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो में आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं, उसमें गियर के बारे में मैंने बताया है कि 10 गियर किस तरह से लगते हैं, तो आप जाके मेरे देव ब्लॉग चैनल से आप देख सकते हैं कि 10 गियर किस तरह से लगते हैं, सेम है इसी तरह का जो कि मैंने अगले वीडियो में बताया था। तो देखिए आप, बिल्कुल ये दिख रहा है साफ साफ यानी कि पीछे की ओर कि किस तरह से इसका व्यू है और देखा जाता है। बाकी ऑपरेटिंग केबिन का आपको मैं बताता हूँ, पाजी खुद बताएंगे कि इसमें पीटीओ किस तरह से लगता है, पीटीओ स्विच कहाँ पे है। तो पाजी आप आइए सामने और थोड़ा बताइए कि पीटीओ किस तरह से लगता है, और एक मिनट, हाँ बताइए पाजी। अच्छा, इसका क्लच दबाएंगे पहले, ओके, और उसके बाद हम इसको चार नंबर गियर में डालना पड़ेगा, चार नंबर गियर में डाल के ये वाला स्विच जो ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, ये पीटीओ स्विच हमारा कहाँ पे है थोड़ा दिखाइए। अच्छा, ये अभी ऑफ है। हाँ, ये अभी ऑफ है, डाल के ठीक है, इसको अभी ऐसे करेगा तो ये चार नंबर गियर हम डालेंगे। ठीक है, चार नंबर गियर डालने के बाद ये बटन जो है, अच्छा इसमें एक छोटा सा स्विच है, इस स्विच को हमको दबा के ऊपर करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना पड़ेगा, है ना। हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो हमारा पीटीओ लग जाएगा। निकालने के बाद गियर निकाल के, हाँ, इस बटन को नीचे करेगा, इसको इस बार ऊपर करके नीचे। अच्छा ठीक है, ये दोनों अगर हम डाउन में कर देंगे और चार नंबर छोड़ने के बाद उसके बाद क्लच छोड़ देंगे तो ये पीटीओ हमारा निकल गया है ना। बस यहाँ का यही फंक्शन है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, सबसे पहले हमें क्लच दबा के चार नंबर लगाना पड़ेगा, चार नंबर लगा सकता है, तीन लगा। अच्छा, इसमें तीन में भी लगता है, चार में भी लगता है, दोनों में पीटीओ लगता है। हाँ, तो देखिए सनी क्रेन का यही खासियत है कि इसमें तीन में भी लगता है, तीन में लगता है और चार में, और चार में भी लगता है। तो आप इसमें तीन में भी और चार में भी, यानी तीन गियर में भी और चार गियर में भी लगा सकते हैं पीटीओ। और पीटीओ का स्विच ये है, ये दोनों जब नीचे रहेगा तो पीटीओ ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये नहीं लगेगा, और ये वाला बटन ऊपर रह जाएगा तो पीटीओ ऑफ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये दोनों आपको, अगर ये ऊपर रहा और ये डाउन कीजिएगा तो ऑफ नहीं होगा, इसके लिए हमको दोनों डाउन करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा और इसको ऊपर करके नीचे करना। हाँ, इसको डाउन करने के बाद ये स्विच है, इसको एक बार ऊपर करके और फिर से इसको नीचे करना पड़ेगा, तब ये यानी कि पीटीओ हटेगा। देखिए फिर से एक बार समझिए, अभी क्लच दबा के, ठीक है, और चार नंबर गियर डालना है, ओके, चार नंबर गियर डाल के, ओके, ये वाला बटन ऑन करना है, ओके, अभी पीटीओ डाल दिया, ओके, अभी पीटीओ डाल दिया, अभी क्लच, अभी गियर निकाल के, हाँ, ये बटन को ऊपर करना है, ओके, इसको नीचे करके। अच्छा, ये बात है इसमें, यानी कि हमको पीटीओ एक बार लग गया तो उस बटन को दो बार छेड़ना है, एक बार ऑन ऑफ करके फिर ऑन करना है, और इसको ऑफ करके ऑन करना है, तब जाके ये पीटीओ छूटेगा। और लगाने के लिए सिर्फ एक बटन यूज करना है हमें, हाँ ये वाला बटन, नीचे डाउन करेंगे तो वो लग जाएगा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से जब लग जाएगा आपको, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका आउट रिगर किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ से चार नंबर लग गया तो उसके बाद पाजी थोड़ा आप आइए और बताइए कि इसका आउट रिगर किस तरह से लगता है। तो देखिए अभी बिल्कुल पाजी जा रहे हैं, और ये पाजी आ गए हैं। तो ये कौन कौन सा लीवर किसका काम में आता है थोड़ा बताइए पाजी। अच्छा, ये एस्केलेटर है, अगर फास्ट निकालना है तो आपको हाई करना पड़ेगा, और अगर ऊपर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा फिर लो होने के लिए, यानी छह लीवर है, है ना। तो छह लीवर में से सबसे पहले हमको बताइए कि ये जो दो साइड वो लीवर है, दो किनारे, ये लीवर ये किस काम का आता है? इसको ऊपर करोगे तो मास्टर, ये मास्टर लीवर। अच्छा, ये मास्टर लीवर को नीचे की ओर करेंगे। Right, अच्छा, का फ्रेंट, अच्छा, अगर ये right हम करेंगे और इसको नीचे दबाएंगे तो दोनों बाहर आएगा, थोड़ा सा आप दबा के इसको दिखाइए तो, ऐसे करोगे तो बाहर आएगा। अच्छा, ये हम दबा रहे हैं तो, अच्छा आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जग हमारा बाहर आ रहा है ना। चलिए,
अच्छा ये बाहर अंदर करते समय इसको ऐसे रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी पहले खाली बाहर के बारे में बताइए। अब इसको हम जैसे लेबल कर दिए, ठीक है इसको लेबल कर दिए, अब फिर से अगर हम ये दोनों ऊपर करके अगर इसको डाउन करेंगे तो अच्छा मेरा पीछे का बाहर आएगा। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, चलिए ये हो गया पाजी। अगर हम एक ये लीवर और एक ये लीवर करेंगे दोनों इधर का आएगा, तो दोनों हमारा इधर का आएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि दोनों मेरा यानी और इसको दबा के रखेंगे ऐसे, तो ये दोनों एक साइड का आएगा यानी कि लेफ्ट साइड का इधर को आएगा, है ना। दोनों अगर आएगा और अगर हम इसको फिर से छोड़ देते हैं, लेबल करते हैं और एक इसको और एक हम इसको अगर करते हैं, तो राइट साइड का हमारा बाहर आनी है, बाहर आएगा, है ना। तो दबाइए थोड़ा सा, देखते हैं इसको, लीवर मेन लीवर दबाइए। अच्छा हाँ ये देखिए, अच्छा ये देखिए दोनों राइट साइड का हमारा बाहर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं राइट साइड का हमारा बाहर आ रहा है, ठीक है ये हम कर दिए, ये कर दिए। और ये रहा एक लीवर मेरा, लास्ट वाला लीवर जो है यानी कि पांचवें नंबर वाला लीवर, इसको दबा के अगर हम इसको नीचे करेंगे तो आप देख रहे हैं आगे तरफ का जो आउट रिगर है जो इंजन के पास रहता है इंजन को सपोर्ट के लिए, वो देखिए नीचे डाउन हो रहा है। जिस तरह मैंने अगले क्रेन में भी बताया था सेम वही है, इस लीवर का भी फंक्शन सेम वही है। तो आप देख पा रहे हैं ये नीचे जा रहा है। अब जो ये आउट रिगर का देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जो दोनों डाउन किया हमने, अगर इसको दबाएंगे तो ये एक साइड का दोनों का बाहर आएगा यानी कि लेफ्ट साइड का आगे और पीछे का जक आउट रिगर जो है वो बाहर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आउट रिगर बाहर आ रहा है जो कि एक साइड का है, तो उसी लीवर से बाहर आएगा ये दोनों जक। उसके बाद सेकंड एक छोड़ के एक दूसरे को अगर दबाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और अगर इसको पुश करेंगे तो देखिए दूसरे साइड का जो जक है आउट रिगर जो है वो बाहर आएगा यानी कि ये राइट साइड का जो दोनों है एक साथ में बाहर आएगा। जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नीचे देखेंगे जक देखिए निकल रहा है, तो ये है दूसरे साइड का बाहर आएगा यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर दो एक साइड दबाएंगे तो आगे का दोनों आएगा, दो दोनों दबाएंगे तो पीछे का आएगा, और एक छोड़ के एक दबाएंगे तो एक आगे एक पीछे का, फिर एक छोड़ के एक दबाएंगे तो एक आगे और पीछे का, यही इस आउट रिगर का फंक्शन है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। और इसका लेबल कहाँ पे दिया हुआ है पाजी, आप लेबल हमको बता सकते हैं? अच्छा तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये रहा लेबल, देखिए सबका अलग अलग लेबल होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये लेबल है। देखिए इसमें वाटर दिखाई देगा आपको, जो ये वाटर है, ये जो वाटर है किसी किसी में बिल्कुल सिंगल रहता है, ये जो देख पा रहे हैं किसी किसी में सिंगल रहता है, इसमें डबल दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए, एकदम बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ये भी सेंटर में आना चाहिए और ये भी सेंटर में आना चाहिए। जब ये दोनों सेंटर में आ जाएगा तो समझिए कि आपका क्रेन पूरी तरह से लग चुका है यानी, और ये बिल्कुल वर्क करने के लिए अब रेडी हो चुका है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है जिसके कारण से आप लोगों को मैं
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये फुल किस तरह से काम किया जाता है और इसके क्या क्या फंक्शन हैं, इसके बूम किस तरह निकलते हैं और इसके सारा सिस्टम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा सकूं। और प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कॉमेंट कर दें और बाकी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए।